दोस्तों, अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अगर खो जाता है आपका डेबिट कार्ड तो कैसे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं। आपके एटीएम कार्ड को एनेबल डिसेबल करने के लिए कोई भी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। और ऐसा कुछ पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे सिंपली आना है डेबिट कार्ड एनेबल एंड डिसेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड एनेबल डिसेबल, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर डाल के सिंपली करना है कंटिन्यू। और अकाउंट नंबर डाल के कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन, वन टाइम पासवर्ड, एक ओटीपी रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है, मैं डाल देता हूँ 750658। एंड ओटीपी डालने के बाद सिंपली करना है कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन, कस्टमर नेम आपका नाम दिखाएगा, यहाँ पे कार्ड नंबर, यहाँ पे एक्सपायरी डेट वैलिड अप टू यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे कार्ड पिन नंबर डालना है, एटीएम कार्ड का जो पिन है। तो यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड का नंबर मैं डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल दिया, जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड के ऊपर जो नंबर है डाल दिया, यहाँ पे एक्सपायरी मंथ एंड ईयर, इसके बाद नीचे है कार्ड पिन, यहाँ पे कार्ड का जो पिन है एटीएम कार्ड का, सब कुछ डालने के बाद सिंपली करना है कंटिन्यू। और यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद जो फाइनल स्टेप है आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड इंक्वायरी, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, यहाँ पे एटीएम, पॉस एंड ई कॉमर्स, यहाँ पे डोमेस्टिक है, अगर हम इसको कर देते हैं नो एक्सेस सबको, ठीक है, तीनों को हम करेंगे नो एक्सेस और सिंपली करेंगे कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद आपका जो डेबिट कार्ड का एक्सेस है बंद हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, जैसे कि एटीएम कार्ड में यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी पॉज में, पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे आप कुछ खरीदते हो या फिर कोई भी टिकट खरीदते हो जाके पॉइंट ऑफ सेल में स्वाइप करके, तो वहां पे नहीं होगा। ई कॉमर्स साइट पर भी एक्सेस नहीं होगा। तो तीनों को आपको करना है नो एक्सेस यहाँ पे सिलेक्ट करके और सिंपली करना है कंटिन्यू। और कार्ड को एनेबल करने के लिए सेम प्रोसेस है, डेबिट कार्ड इंक्वायरी में आना है यहाँ तक, और यहाँ पे करना है डोमेस्टिक, तीनों को सिलेक्ट और करना है कंटिन्यू। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका जो डेबिट कार्ड है एनेबल हो जाएगा। दोस्तों, आपको दिखा दिया किस तरीके से पीएनबी की ऑफिशियल साइट के ऊपर आके आपके डेबिट कार्ड को एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।